क्या हो रहा, क्यों शोर मचा रहे हो? मोहन इधर आओ। ये क्या छिपा रहे हो, लाओ हमें दो। जानते हो ये क्या है? नहीं मास्टर जी, लेकिन मास्टर जी इससे कीले और क्लिपें चिपक जाती हैं। भाई और क्या क्या चिपक जाता है इससे? मास्टर जी इससे लोहे की गोलियां भी चिपक जाती हैं। लेकिन मास्टर जी और लोहे की चीजें आपस में क्यों नहीं चिपकती इसकी तरह? ये जानना चाहते हो तुम लोग, इसके बारे में जानना चाहते हो, तुम्हें बताएंगे। आओ देखो बच्चों, इस लोहे के टुकड़े का नाम है चुंबक। चुंबक की खोज के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी सबसे अधिक सही है वो सुनो। प्राचीन यूनान में एक गडेरिये का लड़का था, उसका नाम था मैग्नस। वो इदा पर्वत पर अपनी भेड़ें चराया करता था। एक दिन जब वो अपनी भेड़ें चरा रहा था तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी। भेड़ें चराते चराते वो एक पत्थर पर बैठ गया जो आधा जमीन के अंदर था और आधा जमीन के ऊपर। मैग्नस ने छड़ी छुड़ाने के लिए जैसे ही अपना पांव पत्थर पर रखा, उसके पांव का जूता भी वहीं चिपक गया। मैग्नस को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने जूते और छड़ी को छुड़ाने के लिए खूब जोर लगाया। छड़ी थोड़ी छूटी मगर फिर वहीं चिपक गई। बच्चों मैग्नस इस घटना से बहुत डर गया। उसने सोचा जरूर ये भूत का ही काम है, इसलिए वो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव वालों को बुलाने गया। भाई पहले तो मैग्नस की बातों पर किसी को विश्वास नहीं आया, सभी हंसने लगे। परंतु फिर कुछ सोचकर उन्होंने उस घटना की सच्चाई जानना चाहिए। वे सभी अपने अपने औजार लेकर मैग्नस के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उस जगह को खोदने के लिए जो ही फावड़ा चलाया कि वो भी चिपक गया। फिर कुछ सोचकर उन्होंने छड़ी और जूते को देखा। उन्होंने देखा कि छड़ी के नीचे की पेपी और जूते के नीचे की कीलें लोहे की थी। अब उनकी समझ में आया कि इस काले पत्थर पर केवल लोहे की चीजें ही चिपकती हैं। बच्चों वास्तव में वो लोहा ही था, परंतु पत्थरों के बीच पड़ा पत्थर ही दिखता था। लोगों को इस पत्थर के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मैग्नस के नाम के अनुसार ही पत्थर का नाम मैग्नेट रख दिया, जिसे भाई हम कहते हैं चुंबक। बच्चों एक और कहानी के अनुसार इसका नाम मैग्नीशिया नाम के नगर से भी आया, मैग्नेट। मैग्नीशिया यानी मैग्नेट।
समझे? तो मास्टर जी, क्या ये भी उसी का ही टुकड़ा है? लेकिन ये तो लोहा लगता है। बिल्कुल ठीक, ये लोहा ही है मोहन, लेकिन इसको चुंबक बनाया गया है। कैसे? रगड़ने से। देखो, अभी मैं तुम्हें एक साधारण सी सुई को चुंबक बना के दिखाता हूँ। ये देखो, एक साधारण सी सुई है और ये हमारे पास भी एक चुंबक है। अब मैं इस चुंबक को इस सुई पर रगड़ता हूँ, इस किनारे से दूसरे किनारे तक, ऐसे 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 कई बार। और अब देखो, ये सुई इस सुई को पकड़ती है ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि ये साधारण सी सुई भी चुंबक बन गई। हाँ, चुंबक बन गई। और देखो बच्चों, चुंबक में एक और भी गुण है, ये दिशाएं भी बताता है। वो कैसे मास्टर जी? देखो, मैं इस चुंबक को एक धागे से बांधता हूँ और इसे लटकाता हूँ। अभी देखो, ये देखो, हम इसमें धागा बांध रहे हैं। ये धागा बन गया और अब देखिए, हमने इसको लटका दिया। तो कैसे रुका? दो दिशाओं की तरफ, इधर और इधर, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ। अब अगर हम इसे वापस रख दें और दूसरी दिशा में रखें तो देखो क्या होता है। ये देखो, ये फिर उसी दिशा में आ गया, यानी उन्हीं दोनों दिशाओं की तरफ ये हो गया, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। तो ये दो दिशाओं की तरफ है। अब तुम बोलो, पूर्व किधर है? मास्टर जी, पूरा इधर है, सूरज इधर से ही चढ़ता है। हाँ, पूर्व इधर है तो पश्चिम इधर है। और तुम्हें पता है कि अगर जिधर से सूरज निकलता है उधर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं तरफ उत्तर होता है और दाईं तरफ दक्षिण। तो इस तरह ये चुंबक दो दिशाएं दिखा रहा है, एक उत्तर और दूसरी दक्षिण। हाँ, अच्छा बच्चों, हम तुम्हें एक चुंबकीय यंत्र दिखाते हैं। ये देखो, इसकी सुई भी दो दिशाएं दिखाती है, उत्तर और दक्षिण। अगर हम इसे घुमा दें तो भी देखो, ये फिर उसी तरह से रुक गई, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ। बच्चों, चुंबक के इसी गुण के कारण ही लोग दिशा जान लेते हैं, नाविक समुद्र में दिशा जान लेते हैं। ये देखो, हम आपको एक यंत्र दिखाते हैं, चुंबक यंत्र। इसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत कर रही है, वही उत्तर और दक्षिण। अगर हम इस सुई को घुमा देते हैं तो देखो, ये फिर रुक गई और फिर उसी दिशा की तरफ संकेत करने लगी। इसे कुतुबनुमा कहते हैं या कंपास भी कहते हैं। बच्चों, पुराने जमाने में
नाविक ये देखो, इस तरह की सुई का प्रयोग करते थे। ये भी चुंबकीय सुई है, इसे पानी में डाल देते थे और ये दिशा बताती थी। लेकिन आंधी आती थी, तूफान आता था, सुई हिलती थी, इसलिए उन्हें दिशा ढूंढने में परेशानी होती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस तरह की सुई बनाई, डिब्बा बंद सुई, डिब्बे में बंद सुई। बच्चों, ये रेगिस्तान में भी दिशा जानने का एक साधन है, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक रेत होता है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो इससे ही दिशा का ज्ञान होता है। और हवाई जहाज चलाने वाला भी इसी की मदद से दिशा जानता है, समझे? और बच्चों, चुंबक सिक्का परखने के भी काम आता है। अगर सिक्का खोटा होगा तो चुंबक से चिपक जाएगा, और अगर सिक्का खोटा नहीं होगा तो चुंबक से नहीं चिपकेगा। हाँ, चुंबक से नहीं चिपकेगा। अच्छा बच्चों, चुंबक के ये गुण जानने के बाद हम तुम्हें एक खेल दिखाते हैं। ये देखो, इस ग्लास में मछलियां हैं, पानी में तैर रही है, देख रहे हो ना, तैर रही है। अब क्या तुम इन मछलियों को हाथ लगाए बगैर बाहर निकाल सकते हो? बोलो। हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। मैं अपनी पेंसिल को इस चुंबक के टुकड़े से बांधता हूँ। और ये बन गया मेरा मछली पकड़ने का कांटा। अरे हाँ, इन मछलियों में तो लोहे की बनी क्लिपें लगी हैं जो चुंबक से चिपक जाएंगी। हाँ, ये देखो मास्टर जी। शाबाश मोहन, शाबाश।